चुनाव जीती भारतीय जनता पार्टी, तो मुख्यमंत्री का कार्यालय आवास दोनों गंगा जल से धोया गया था। उस दिन अखिलेश यादव को समझ जाना चाहिए था, ये बात शायद अखिलेश यादव को समझ में आ जानी चाहिए। अगर ये बात समझ में आ जाती तो चुनाव हारते नहीं। जातिवाद पहले गरीबों के साथ होता था, अब तमाम एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के पढ़े लिखे लोगों के साथ हो रहा है। आपको हिंदू भी इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि आपके पास वोट का अधिकार आया। जब आपके पास वोट का अधिकार नहीं था तो आप शूद्र थे, अछूत थे और मंदिर में जाने का भी हक नहीं था आपको। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। देर रात भले हो गया हो लेकिन सोचिए, आज दिन भर आप लोगों ने टीवी देखा, टीवी अखबार किस तरह से हवा बना रही है। कल दिल्ली में एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी किसान जातियों के जाट गुर्जर पटेल मराठा का एक बड़ा प्रोग्राम है जिसमें राकेश टिकैत भी शामिल हो रहे हैं, बामन मिश्राम भी शामिल हो रहे हैं, चंद्रशेखर रावण भी शामिल हो रहे हैं, मेरे साथ खास मेहमान है आरएस पटेल, वो भी इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। तमाम बहुजन समाज के इंटेलेक्चुअल इसमें जमा हो रहे हैं और आयोजन की वजह वही है, ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर से चुनाव कराओ, उसके बाद जाति जनगणना हो, प्राइवेटाइजेशन बंद हो, ये तमाम वो मुद्दे हैं जो इस देश का आम एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी और किसान सोचता है। एमएसपी लागू करो, लेकिन सवाल है कि बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन। मैं कुछ आप लोगों को वीडियो दिखाऊंगा, आज का वीडियो, मैनपुरी में चुनाव हो रहा था। आप कल्पना कीजिएगा उन वीडियो को देखकर, जब मैनपुरी में चुनाव के दौरान पुलिस वाले का ये रवैया हो सकता है और सब पुलिस वाले के नाम में सिंह लगा है। सोचिए, एक जाति विशेष के पुलिस वाले, जब मैनपुरी के चुनाव में इस तरह के हालात हो सकते हैं, जो कि बाइपोल है, एक सीट है, रामपुर एक सीट है, मैनपुरी एक सीट है। मैंने सुना है कि जाट लैंड में जो एक खतौली में चुनाव हो रहा था उसमें भी इसी तरह के खेल हुए हैं, तो गुजरात में क्या हुआ होगा। टीवी अखबार ने आपको दिखा दिया, आपने मान लिया। दरअसल टीवी अखबार एक बहाना है, वो आपको मेंटली प्रिपेयर करता है कि बीजेपी जीतने वाली है। अगर सब कुछ टीवी अखबार को पता है तो फिर चुनाव की जरूरत क्या है। इन्हीं तमाम मुद्दों पर हमारे साथ आरएस पटेल हैं जो हमारे साथ जुड़ेंगे और आपसे बात भी करेंगे। पटेल साहब, क्या कहेंगे, जो ओपिनियन पोल आया है कि गुजरात में बीजेपी जीत रही है और आज जो मैनपुरी में हुआ पुलिस का, जिस तरह से वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, क्या कहेंगे? बाकी के चुनाव में क्या होते होंगे? अखिलेश तो कट्टर हिंदू थे, डिंपल तो ठाकुर समाज से हैं, क्या उनको भी जो सवर्ण समाज के लोग हैं वो अब हिंदू नहीं मानते और संसद नहीं जाने देना चाहते हैं? धन्यवाद आदरणीय शंभू सिंह साहब। सबसे पहला नेशनल दस्तक के दर्शकों को सबसे पहला जय भीम, जय सरदार, जय संविधान, आप सबको मेरा इस्तकबाल। साथियों, निश्चित रूप से इस सवाल को समझना बेहद जरूरी है। आदरणीय शंभू सिंह साहब ने तरीके से ये बात आपने रखा है कि जिस हालात में अभी गुजरात के चुनाव हुए और ओपिनियन पोल बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, अभी जो आपने बताया कि उपचुनाव एक लोकसभा का उत्तर प्रदेश में मैनपुरी में, असल में अखिलेश यादव की अगर बात करें तो इस बात को मैं थोड़ी सी अलग इत्तेफाक रखता हूं। अखिलेश यादव जी डिंपल सिंह यादव जी, और आपने ठीक कहा कि डिंपल यादव जी ठाकुर समाज से हैं, अखिलेश यादव जी अहिर समाज से हैं, लेकिन इस बात को निश्चित रूप से डिफिनेशन समझना बेहद जरूरी है। यह जो भारतीय जनता पार्टी वाला समुदाय है या सवर्ण समुदाय है या खासकर वह समुदाय जो इस देश के बहुजन को अपना नहीं मानता, आज मैं ठीक से इस बात को अगर कहूं तो अखिलेश यादव को उस दिन ही समझ जाना चाहिए था जब इनका मुख्यमंत्री से हटने के बाद, योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री जब बनाया गया 2017 में, चुनाव जीती भारतीय जनता पार्टी, तो मुख्यमंत्री का कार्यालय आवास दोनों गंगा जल से धोया गया था। उस दिन अखिलेश यादव को समझ जाना चाहिए था, लेकिन अखिलेश यादव तब भी नहीं समझे। और आज भी मैं कह रहा हूं
कि जैसा ही आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी वाला समुदाय अलग हिंदुत्व है, वो निश्चित रूप से अखिलेश यादव को हिंदू नहीं मानता, और मैं तो मानता हूं कि हिंदू मानने की जरूरत भी नहीं है। शायद ये अखिलेश यादव समझ जाते कि इस देश का दलित पिछड़ा और माइनॉरिटी असल में उनका है तो सारा काम बन जाता, लेकिन अखिलेश यादव बीच मझधार में फंसे हैं। कई बार तो हम बैठे हैं अखिलेश यादव जी के साथ, हम चाहते हैं एक बदलाव हो, असल में अखिलेश यादव जी में बदलाव होते होते जब एक दिशा पकड़ता है तब तक कहीं से प्रॉब्लम आ जाती है, और हमें भरोसा है कि अखिलेश यादव जी में आज नहीं तो कल एक उम्मीद मानता हूं कि बदलाव के संकेत। आप तो समाजवादी गठबंधन से चुनाव भी लड़े थे, आपने खुद संविधान दिया था उनको जी मंच पर, बाबा साहब की तस्वीर दी थी, क्या रिएक्शन था उनका? बड़े शौक से उन्होंने संविधान लिया और चर्चा भी किया उस भाषण के दौरान, लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि भारतीय जनता पार्टी पिच बनाती है एक और हमारे नेता एक मिनट में रुकूंगा आपको, वो वीडियो चलने लगा, इंटरनेट की प्रॉब्लम हो रही थी इसलिए मैं आपको वीडियो नहीं दिखा रहा था। ये वीडियो देखिए, ये ईवीएम दौड़ रहा है, सोचिए आप, ये देखिए, ये मैनपुरी के चुनाव का है जिसमें ईवीएम दौड़ रहा है, गाड़ी में ईवीएम को घुमाया जा रहा है, सोचिए, और गाड़ी का नंबर डिंपल यादव ने शेयर किया है, तो सोचिए मैनपुरी चुनाव में ईवीएम जो है वो लगातार दौड़ रहा है, यही मैं तस्वीर में दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। मेरे साथ हरीश पटेल है, सोचिए डिंपल यादव ठाकुर समाज से है, अखिलेश यादव कट्टर हिंदू बने घूमते हैं, और आज मैनपुरी के चुनाव में, मैं तो कुछ नाम लेके बताऊंगा अधिकारियों का, यूपी 84AK9514 ये ट्वीट कर रहे हैं समाजवादी पार्टी वाले, जिसमें साफ साफ दिख रहा है कि गाड़ियां जो है, ये देखिए ईवीएम दौड़ रहा, ईवीएम जो विधानसभा चुनाव में हुआ था वही लोकसभा बाईपोल में हो रहा है, और ईवीएम घुमाया जा रहा है गाड़ियों पर। तो जी बताइए बताइए, इस बात को निश्चित रूप से क्लियर करना बेहद जरूरी है, अखिलेश यादव जी को इस बात को समझ में अब आ रहा है धीरे धीरे ही सही, लेकिन चुनाव 17 का हारे, 14 हारे, 17 हारे, 19 हारे, 22 हारे, अब ये बात समझ में आ रहा है, लेकिन इतनी हारने के बाद अब समझ में आने से बहुत कुछ खो दिया है आपने। ये देखिए, ये भीड़ देखिए आप, ये भीड़ देखिए मैनपुरी में, ये भीड़ जुटी हुई है ईवीएम के खिलाफ, फिर से समाजवादी पार्टी के लोग जो हैं वो प्रदर्शन कर, एक बार मैं एम्बियंस दिखा रहा हूं आपको, आप कल्पना कर सकते हैं कि मैनपुरी में जो बाईपोल हुआ है, डिंपल यादव चुनाव लड़ रही है और वहां पर ईवीएम को घुसमाया जा रहा है। एक और अधिकारी का नाम दिखा रहा हूं, रामपुर इलेक्शन में पत्रकारों के साथ सुलूक किया जा रहा है, तो आम वोटरों के साथ क्या हुआ होगा? ये वहां लगातार जाति को देखकर अधिकारियों की तैनाती हुई थी, और एक दरोगा जी का मूड देख लीजिए, आप समझ जाएंगे इस वीडियो से कि किस तरह के उन्होंने वोट ही नहीं गिराने दे रहे थे जो मुस्लिम उम्मीदवार थे। ये देखिए, ये तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपको, ये देखिए, हाँ हमारे यहाँ ये पुलिस अधिकारियों का रवैया है, कुछ और बताएं, क्या कहेंगे पटेल साहब? चुन चुन कर जा, इस पर एक रिएक्शन है आदरणीय शंभू सिंह साहब, ये जो चुन चुन कर जाति देखकर अधिकारी रखे गए थे, पुलिस अधिकारी, ये सिर्फ इसीलिए रखे गए थे कि आपके वोट न पड़ने दिए जाए। यह हुआ है मैनपुरी में और रामपुर में हुआ है, पूरे उत्तर प्रदेश के चुनाव में हुआ है, लगातार जो दिखा रहा हूं, सीओ है ये, नाम बताऊंगा इनके, देखिए ये आज की तस्वीरें हैं, सब जिंदा तस्वीरें हैं जो सोशल मीडिया पर अखिलेश यादव के ट्विटर हैंडल से, समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल से शेयर किया जा रहा है। तो
मुसलमानों को वोट नहीं गिराने दिया गया है। और मैं कुछ ट्वीट आपको दिखाऊंगा, उसके बाद हम इस बातचीत को आगे भी करेंगे। सरेआम पुलिस वाले घरों में घुस घुस कर उन लोगों ने कहा कि हम वोट नहीं गिराने देंगे, आप क्या कर लेंगे। ये देखिए ईवीएम ले जाया जा रहा है। सवाल है कि समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल से ये सारे ट्वीट किए जा रहे हैं, लेकिन सवाल है कि ये लोग सड़कों पर क्यों नहीं उतरते हैं। कल दिल्ली में, आप भी आप दिल्ली आए हुए हैं, आम आदमी ईवीएम के खिलाफ जाति जनगणना के लिए प्रदर्शन कर रहा है, ये तमाम बहुजन नेता अपने घरों में कैद रहते हैं। आरएसपी आदरणीय शंभु सिंह साहब, इस पर हमारी रणनीति तैयार हो रही है। निश्चित रूप से हम आपको भरोसा दिलाएंगे कि अखिलेश यादव से भी हम इस मुद्दे पर बात करने वाले हैं। पूरे देश के बहुजन नेताओं को हम के साथ हम बैठने जा रहे हैं, पटना से लेकर के दिल्ली तक देश के कोने कोने में जाति जनगणना की आवाज बढ़े उस काम को हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में शुरू करा दिया है। सरदार सेना के बैनर तले लगातार हम सम्मेलन करा रहे हैं, गांव गांव लोगों को एकजुट कर रहे हैं, प्रत्येक जनपदों में कार्यक्रम करा रहे हैं और जल्द ही पटना से लेकर दिल्ली तक हम लोग आंदोलन करने जा रहे हैं। और आपको बताते हुए मुझे एक और वीडियो देखिए, ये देखिए बहुत साफ वीडियो है, ये देखिए। ये सारे सवर्ण अधिकारी थे योगी जी के, जिनको तैनात किया गया था जानबूझकर और जाति देख देखकर इन लोगों ने वोट नहीं गिराने दिया है। सोचिए, कट्टर हिंदू बने घूम रहे हैं। आप तभी तक हिंदू हैं जब तक मंदिर में चढ़ावा चढ़ाना है, कावड़ ढोना है। जब आप सीएम, पीएम, एमपी, चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री बनेंगे तो आपकी जाति आरे आएगी। अखिलेश यादव के साथ चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं है, उनको सोचिए कि उनके कार्यकर्ताओं को वोट नहीं डालने दिया जा रहा है, निकलेंगे नेता हमारे सड़कों पर। आदरणीय शंभु सिंह साहब, इस बात को फिर से मैं वहीं पे शुरू कर रहा हूं जहां से हमने रोका था बात को। जब तक सड़क पे नहीं निकलेगा मुद्दों पर, तब तक इनके साथ जाति हिंसा होती रहेगी। और अब तो हम ये मान चुके हैं कि हम अपने उन नेताओं के सारे बैठने वाले नहीं हैं। यह देश की जो सत्ता पलटती वो जनता पलटती है। हम लोग जनता को तैयार कर रहे हैं। अखिलेश यादव और नीतीश कुमार, लालू यादव, इन सबसे हम लोगों की लगातार, आदरणीय तेजस्वी यादव सबसे, भूपेश बघेल जी से सबसे मुलाकात हो रही है, कमल जी से बात कर रहे हैं हम लोग लगातार, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश लगातार, राजस्थान हम लोग चर्चा कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, कार्यक्रम कर रहे हैं। हम सभी नेताओं को सड़क पर उतारने की तैयारी कर रहे हैं। आपको बता दें, आर्य साहब मैं नाम बता दे रहा हूं, रामपुर में एसपी संसार सिंह नाम था जो वोटर को रोक रहे थे। नाम, हाँ मैं नाम बता दे रहा हूं, नाम में बहुत कुछ छुपा हुआ है जी। संसार सिंह समाजवादी पार्टी ट्विस्ट खतौली में जो जो अधिकारी रोक रहे थे उनका नाम है राकेश कुमार सिंह। ठीक है, ये सब सुनते जाइएगा, नाम में सब कुछ छुपा रखा है। खतौली में जो रोके जा रहे थे, तो ये दोनों अधिकारियों का मैंने नाम बताया, एक और तीसरे अधिकारी का भी नाम बताऊंगा। तो आप सोचिए कि किस तरह से जानबूझकर जाति विशेष के अधिकारियों को चुनाव ड्यूटी पर लगाया गया था। तो क्या कहेंगे, ये तो कट्टर हिंदू हैं अखिलेश यादव, कृष्ण के वंशज यादवों को अब उनकी पार्टी के लिए वोट नहीं गिरा सकते हैं लोग, ये हालत है। असल में यही तो समस्या है। एक पेपर की, एक भास्कर की न्यूज कटिंग आई थी मेरे पास और मैंने उसको पढ़ा था। वहां पर ओबीसी में खासकर पटेल और यादव के पुलिसकर्मियों को तैनात न करते हुए, और पूरी एक लिस्ट जारी हुई थी जिसमें एकदम खास तौर से ठाकुर और ब्राह्मण समुदाय के जो कर्मचारी अधिकारी थे उनको वहां नियुक्त किया गया है। तो इस पूरे रणनीति के तहत भारतीय जनता पार्टी ने इस उपचुनाव में अधिकारी और कर्मचारी नियुक्त किए हैं। ये बात शायद अखिलेश यादव को समझ में आ जानी चाहिए। अगर ये बात समझ में आ जाती तो चुनाव हारते नहीं। सोचिए, ओबीसी भले घरों से ना निकले लेकिन शेड्यूल कास्ट घरों से निकल रहा है। कल बाबा साहब का परिनिर्वाण है,
कल ही के दिन उन्होंने अंतिम सांस ली थी। पूरा बहुजन समाज एकजुट हो रहा है, दिल्ली में प्रोग्राम है, देश के तमाम जिलों में, तमाम राज्यों में, देश भर में, दुनिया भर में। कल संसद भवन पर संसद में बाबा साहब को श्रद्धा सुमन लोग अर्पित करेंगे, आदरांजलि उनको अर्पित करेंगे। आप भी जा सकते हैं राजधानी दिल्ली में, सोचिए। लेकिन मैं बहुजन समाज में शेड्यूल कास्ट की एकजुटता दिखा रहा हूं। ये कार्तिक भील की हत्या होती है, 7 दिसंबर को राजस्थान बंद का ऐलान किया बहुजन समाज के लोगों ने, ये वीडियो सुन लीजिए। क्यों कहें तमाम न्याय प्रिय लोगों को, 7 दिसंबर को सिरोही जिले में पहुंचने के लिए अपील की है। उन्होंने ये कहा है कि जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाता है, जब तक सारे आरोपी गिरफ्तार नहीं हो जाते हैं, हम डेड बॉडी नहीं लेंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि मेरा जो पट्टा है जमीन का, वो तब जब तक सरकार नहीं हमें दे देती है, हम डेड बॉडी नहीं लेंगे। इसलिए आप तमाम सामाजिक संगठनों से यहाँ पर पहुंचे, सामाजिक संगठनों की तरफ से यहाँ पर भीम आर्मी संगठन है, भीम सेना संगठन है, जय संगठन है, ट्राइबल आर्मी है, अनेकों अनेक सामाजिक संगठन है, बहुजन मुक्ति मोर्चा के लोग है, बहुजन समाज पार्टी के लोग है, और विभिन्न राजनीतिक दल भी यहाँ पर मौजूद है। इन तमाम सामाजिक संगठनों की तरफ से हम पीड़ित परिवार के साथ में खड़े हैं, पीड़ित परिवार के पीछे। तो सोचिए, राजस्थान में कार्तिक भील की हत्या हुई है और पूरा बहुजन समाज एकजुट हो रहा है, खासकर शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट के लोग इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। आप सोचिए, यूपी में उपचुनाव में अखिलेश यादव की पार्टी, जो सोचिए उनकी पत्नी सुबह शाम पूजा करके उनको घर से निकलने देती है, हिंदू हैं, कट्टर हिंदू हैं, परशुराम के मंदिर बना रहे थे, लेकिन वो कौन अधिकारी है जो इनके लोगों को वोट नहीं डालने दे रहा। मैं इसलिए कह रहा हूं, आप तभी तक हिंदू हैं जब तक आप सीएम पीएम अधिकार मत मांगिए, हिंदू बने रहिए। कल इसी के खिलाफ दिल्ली के रामलीला मैदान में 6 और 7 दिसंबर को बड़ी रैली है ईवीएम के खिलाफ। आज ओपिनियन पोल आपको तमाम टेलीविजन चैनल दिखा रहे थे, सोचिए ना आपके पास टीवी है ना अखबार है, गिना चुना सोशल मीडिया है, आपको खड़ा होना होगा इस सोशल मीडिया के लिए। आपके लोगों को मारा जा रहा है, धमकी दिया जा रहा है, कब तक जगेगा समाज? आप पर लगातार केस हुए, मुकदमे हुए, उसके बाद भी आप आंदोलन चला रहे हैं, आगे की क्या रणनीति होनी चाहिए? आदरणीय शंभू भाई साहब, निश्चित रूप से बिना जातीय जनगणना करवाए इस देश में अधिकार समाज को मिलना संभव नहीं है। अभी एक बहुत बड़ा पहल छत्तीसगढ़ से माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की सरकार ने की है, वहां पर रिजर्वेशन के मोड को उन्होंने बहुत अच्छा किया है। आपको अवगत हो कि पिछले 3 जनवरी मतलब इसी जो पिछला 3 जनवरी 2022 में जाति जनगणना पर कार्यक्रम हमने बनारस में रखा था, भूपेश बघेल साहब मुख्य अतिथि यहां रहे हैं सरदार सेना के कार्यक्रम में, मंच पर उनसे हमने एक बात कहा था, भाई साहब पूरे देश में खासकर आपके राज्य में भी, क्योंकि पूरे देश में 27% ओबीसी को रिजर्वेशन लागू तो है लेकिन आपके राज्य में 14% है, तो क्या 10% जो सवर्ण आरक्षण लागू है या गरीब सवर्ण आरक्षण जो लागू है? रुके रुके रुके, मैं रुकूंगा। अब तक तो मैं यादवों की कहानी बता रहा था, जयंत चौधरी जो जाट समुदाय से है, उनका कैंडिडेट खतौली से उम्मीदवार था जिसको चंद्रशेखर रावण समर्थन भी दे रहे हैं, उनका ट्वीट देखिए, वो लिख रहे हैं लोकतंत्र की चीखे सुनाई दे रहा है, रामपुर बाई इलेक्शन खतौली में वोटिंग नहीं डालने दिया गया। सोचिए, जाट समाज के लोग कैंडिडेट थे, जाटों की आरएलडी कहते हैं, चौधरी चरण सिंह की पार्टी है, जयंत चौधरी की पार्टी है, जाट भी कट्टर हिंदू हैं। सोचिए, गुर्जर साहब बैंसला साहब आरक्षण चाहते थे, उनको मारा गया, मराठाओं को आरक्षण नहीं दिया गया। ये देखिए, ये सुनते जाइए सर, ये सब कट्टर हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है वो दिखा रहा हूं। ये रामपुर का वीडियो ट्वीट किया है, ये ट्वीट किया है, सोचिए जयंत चौधरी ने। तो जाट हो, गुर्जर हो, पटेल हो, मराठा हो, आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं, आप जज बनेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे, सीएम बनेंगे, एमपी बनेंगे, आप कट्टर हिंदू बनिए, कावड़ ढोइए, माला चढ़ाइए, मंदिर में लाइन लगाइए,
अधिकार मत मांगना, जज नहीं बनना है, एसपीडीएम नहीं बनना है, प्रोफेसर टीचर इंजीनियर नहीं बनना है, बिजनेसमैन नहीं बनना है, आप सिर्फ किसान बनो, खेत जोतो, ये कोशिश हो रही है। ये हमारे नेताओं को समझ में नहीं आता कि उनके समाज को किस तरह से दरकिनार किया जा रहा है। अगर ये समझ में आया होता, निश्चित रूप से अगर समझ में आया होता तो आदरणीय संपादक महोदय, आदरणीय भाई साहब, आप इस बात को समझना बहुत जरूरी है। अखिलेश यादव की सरकार रही, मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री रहे, मायावती जी मुख्यमंत्री रहे, लालू यादव जी मुख्यमंत्री रहे, इन लोगों ने, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री, मैं इन सबसे ये बात कह रहा हूं कि जब ये लोग सरकार में रहते तो अपने मीडिया हाउसेस क्यों नहीं बना पाए। तो सोचिए, आप कल्पना कीजिए कि उन लोगों के साथ ये हो रहा है जो सिस्टम के हिस्सा हैं। मैं बार बार कह रहा हूं, अब जातिवाद गरीब के पीछा नहीं करेगी। अब मोदी जी गरीबों का वोट ले रहे हैं, अब जातिवाद के शिकार होंगे लालू फैमिली, मुलायम फैमिली, मायावती जी की फैमिली, हेमंत सोरेन की फैमिली। हेमंत सोरेन के खिलाफ जेल में डालने की कोशिश हो रही है, मायावती जी को घोषित किया कर दिया गया, अखिलेश यादव की पत्नी को संसद नहीं भेजने दिया जा रहा है, उनके भाई को चुनाव हरवा दिया गया, हेमंत सोरेन के लोग पीछे पड़े हुए हैं। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश में एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी और किसान दोयम दर्जे के नागरिक बना दिए जाएंगे। आपका रिप्रेजेंटेशन नहीं है सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, आपका रिप्रेजेंटेशन नहीं है मीडिया में, जुडिशियरी में, ब्यूरोक्रेसी में, कॉलेज यूनिवर्सिटी में। कितने जाट जज हैं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में, नाम बताइए। कितने पटेल जज हैं, कितने यादव जज हैं, कितने कुशवाहा जज हैं, कितने मौर्य जज हैं, कितने कैबिनेट सेक्रेटरी हैं आप? ओबीसी के एक भी कैबिनेट सेक्रेटरी नहीं है प्रधानमंत्री ऑफिस में, जहां से प्लानिंग होती है, रणनीति बनती है। आप हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जज नहीं है, आप डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर मतलब वाइस चांसलर नहीं है, इंजीनियर नहीं है, आप प्रोफेसर नहीं है, आप सिर्फ मजदूर बना दिए जाएंगे। आप सब्जी बेचिए, भैंस पालिए, दूध निकालिए, आप सिस्टम से बाहर रहिए। जो पावर सेंटर्स हैं, आप मीडिया में नहीं है, जुडिशियरी में नहीं है, कॉलेज यूनिवर्सिटी में है, ब्यूरोक्रेसी में नहीं है। और बाबा साहब का कल परिनिर्वाण दिवस है, उन्होंने आपको ये अधिकार दिया था। सोचिए, आजादी के 75 साल बाद संविधान है, इस देश में चुनाव आयोग क्या कर। आज फेसबुक पर जाकर या समाजवादी पार्टी के ट्विटर पर जाकर देखिए कि समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ और वोटरों के साथ क्या हुआ है। मैं फिर कह रहा हूं, जातिवाद पहले गरीबों के साथ होता था, अब तमाम एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के पढ़े लिखे लोगों के साथ हो रहा है। आप सोचिए, दरोगा हड़का रहा है, ये स्थिति हो गई है। और इस स्थिति का क्या है सॉल्यूशन? आप हिंदू हैं, अखिलेश यादव हिंदू हैं, हेमंत सोरेन हिंदू हैं, मायावती जी हिंदू हैं, लालू यादव की फैमिली, लालू यादव हिंदू हैं, लेकिन उनके खिलाफ सवर्ण क्यों है जब वो हिंदू हैं? तो क्योंकि ये सत्ता की सत्ता का खेल है। आपको हिंदू भी इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि आपके पास वोट का अधिकार आया। जब आपके पास वोट का अधिकार नहीं था तो आप शूद्र थे, अछूत थे, और मंदिर में जाने का भी हक नहीं था आपको। पढ़िए अपना इतिहास, जानिए। और कल इसी के खिलाफ दिल्ली के रामलीला मैदान में ओबीसी एससी एसटी ओबीसी के लोग, किसान जातियों के लोग, तमाम लोग का धरना प्रदर्शन है, जिसमें राकेश टिकैत भी आ रहे हैं, आर एस पटेल भी आए हुए हैं, चंद्रशेखर रावण भी आएंगे, बामन मेश्राम भी आएंगे, तमाम बहुजन आंदोलनकारी आ रहे हैं। आपने पत्रकार नहीं बनाया, समझिए क्या स्थिति है। एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी, जाट, पटेल, मराठा, गुर्जर, मुझे डेटा बताइए, सेना प्रमुख कितने हैं, आर्मी चीफ कितने हैं, ब्यूरोक्रेसी में कितने हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी कितने हैं, सुप्रीम कोर्ट में जज कितने हैं? ये खेल चल रहा है। सोचिए, अखिलेश यादव, डिंपल सिंह, जो ठाकुर समाज से हैं, जो सुबह शाम पूजा पाठ करके निकलती हैं, उनको भी मामूली दरोगा ने वोट नहीं डालने दिया उनके कैंडिडेट को। ये डिंपल यादव के साथ हो रहा है, सोचिए हमारी आपके साथ क्या होगा। इसलिए मैं कह रहा हूं, इस देश में संविधान को बचाइए, और एक पत्रकार के तौर पर मेरी नैतिक जिम्मेदारी है सच दिखाने का आपको। गुजरात बना दिया जाएगा पूरे देश को, गुजरात मॉडल। 27 साल से बीजेपी है, चुप्पी है। बीजेपी और मोदी जी को मत देखिए, आरएसएस का खेल चल रहा है, और इसके खिलाफ एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी को अपने अधिकार के लिए खड़ा होना पड़ेगा। कल बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस है, पूरे देश, पूरी दुनिया में लोग उनको याद कर रहे हैं। सोचिए, अगर आपके पास संविधान नहीं होता, एक वोट की ताकत नहीं होती, तो वो आपको हिंदू भी नहीं मानते थे।
पटेल साहब क्या लगता है कितनी जागरूकता आई है समाज में और क्या करने की जरूरत? सबसे पहले तो आपको मैं धन्यवाद देता हूं क्योंकि सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर नेशनल दस्तक ने पूरे देश में हजारों यूट्यूबर्स और हजारों लोगों को सोशल एक्टिविस्ट बनाया है। आपकी महती भूमिका है और आपने निश्चित रूप से जो जागरूकता दिया है समूह भाई आपने, आज के डेट में हम सब लोग पूरे देश में यूट्यूब जगत में सोशल मीडिया के जगत में जो प्लेटफॉर्म आपने दिया है, जो लोगों ने सीखा है, निश्चित रूप से एक मील का पत्थर साबित हुआ है। इस कदम को और ज्यादा मजबूत करने की हम लोगों की कोशिश है। मेरी आखिरी लाइन सुन लीजिए, जब तक अब इस देश में फूले पेरियार अंबेडकर रामस्वरूप वर्मा सोनेलाल पटेल जगदेव बाबू मान्यवर कांशीराम साहब रामविलास पासवान लालू यादव मुलायम सिंह यादव मायावती जी ऐसे नेता नहीं होंगे तब तक आपको सत्ता नहीं मिलेगी। आपको सत्ता शिबू सोरेन बनना पड़ेगा, आपको जगदेव प्रसाद बनना पड़ेगा, रामस्वरूप वर्मा बनना पड़ेगा, सोनेलाल पटेल बनना पड़ेगा, करुणानिधि बनना पड़ेगा, स्टालिन बनना पड़ेगा। आपको मान्यवर साहब ने कहा था सत्ता मिले ना मिले सामाजिक आंदोलन चलना चाहिए। जिस समाज का सामाजिक आंदोलन मजबूत होता है, सोचिए जिनको धर्म से सत्ता मिल रही है, जिनको धर्म से संपत्ति मिल रही है, वो धर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं। दरअसल अभी जो हालात है भारतीय जनता पार्टी या किसी भी पार्टी के जो लोग गुलाम बनकर के काम कर रहे हैं, मैं उस पर एक कमेंट कर रहा हूं। आज पॉलिटिकल क्षेत्र में सोशियो पॉलिटिकल लोगों की आवश्यकता है। आज सामाजिक यानी सोशियो पॉलिटिकल बिना पॉलिटिक्स में चेंजेज करना संभव नहीं है। अभी जो लोग पॉलिटिक्स में हावी हैं, वो कहने को भले एससी ओबीसी माइनॉरिटी से लोग हों, लेकिन वो गुलाम बनकर के पॉलिटिक्स में है, इसलिए हमारी बदलाव होना संभव नहीं हो पा रहा है। जब तक सोशियो पॉलिटिकल चेंजेज नहीं आएगा, तब तक निश्चित रूप से सत्ता आती रहेगी जाती रहेगी, लेकिन बदलाव नहीं हो पाएगा, इसलिए सोशियो पॉलिटिकल की आवश्यकता है। लास्ट लाइन एक रह के खत्म करूंगा कि मेरी पूरी लड़ाई सम्मानजनक मौत की है। जलालत की जिंदगी आपको मुबारक हो। सोचिए इस देश का 90% आबादी, 95% आबादी द्वयम दर्जे का नागरिक बना हुआ है, चाहे वो जाट हो, गुर्जर हो, पटेल हो, मराठा हो, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी, कुर्मी, कहार, यादव, कुशवाहा, इनसे पूछिए कि ये कितने मीडिया में है, जुडिशियरी में है, कॉलेज यूनिवर्सिटी में है, ब्यूरोक्रेसी में है, सेना के टॉप लेवल पे है, सीआईएसएफ में है, बीएसएफ में है, आईटीबीपी में है, बिजनेस में है, कॉरपोरेट में है, खेल में है, फिल्म में है, कहां है आप? हम सिर्फ मजदूर बनाए जा रहे हैं और इसके खिलाफ मेरी जब तक सांसें हैं मैं बोलता रहूंगा, क्योंकि मैं बाबा साहब ने कहा है कि घर से ऑफिस और ऑफिस से घर, ये जिंदगी नहीं है। कमाने के लिए जीना और जीने के लिए कमाना, खाने के लिए जीना और खाने के लिए जीना और जीने के लिए खाना, ये जिंदगी नहीं है। अगर आप इंसान हैं तो इंसानियत के लिए, शोषण के खिलाफ, बराबरी के लिए लड़िए। हम लोग सम्राट अशोक को मानते हैं, हम लोग शिवाजी महाराज को मानते हैं, हम लोग पटेल साहब को मानते हैं, फूले पेरियार अंबेडकर को मानते हैं, और ये लड़ाई आपको आगे बढ़ाने पड़ेगी, नहीं तो ये देश कमजोर होगा, ये मुल्क कमजोर होगा जब इस देश के नागरिक कमजोर रहेंगे। और पहचानिए उन लोगों को कौन है जो इस देश के 90% से ज्यादा आबादी को लाचार, गरीब और बेबस रखना चाहते हैं और उनको भागीदारी नहीं दे रहे हैं। उनकी पहचान कीजिए, उनका एक ही नाम है मनुवादी, मनुवादी जातिवादी, और भारत का संविधान इसी से मुक्ति दिलाता है। पहचानिए कौन लोग संविधान को नहीं मानते हैं। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, और 6 और 7 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में बड़ा प्रोग्राम है, आप लोग उसमें शरीक होइए। देर रात आप लोग इतनी संख्या में जुड़े, सोचिएगा जरूर कि डिंपल यादव और अखिलेश यादव को भी, आभार, जगदीप हिंदू को भी जय सरदार वोट नहीं डालने दिया जा रहा है। आप तभी तक हिंदू हैं जब तक आपको कावड़ ढोना है, मंदिर में चढ़ावा चढ़ाना है, मुसलमान को टाइट रखना है, सांप्रदायिक दंगा करना है, जातीय हिंसा करनी है। जैसी आप अपना हक अधिकार मानेंगे, आपकी जाति आरे आ जाएगी। भारत कृषि प्रधान नहीं, जाति प्रधान देश है। और मैं पूछना चाहता हूं, जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा समाज के मुझे लोग बताएं कि वो सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में कितने जज हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी कितने हैं, बिजनेसमैन कितने हैं,
हम जमीन जोत रहे हैं, देश का पेट भर रहे हैं, हमारे ही लोग सीमा पर सुरक्षा कर रहे हैं, लेकिन हम बड़े पदों पर नहीं हैं। क्या हम इस देश में द्वयम दर्जे के नागरिक हैं? और ये तभी खत्म होगा जब संविधान लागू होगा। इतनी संख्या में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।